झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अपने 2 लाख राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव पर बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मोहर लगा दी गई है। प्रोजेक्ट भवन में हुई बैठक में केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला हुआ। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2022 से लागू की जाएगी। अब राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31% से बढ़कर 34% हो जाएगा। वहीं छठे वेतनमान के तहत पेंशन लेने वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 168 से बढ़कर 181% हो जाएगा। इससे राज्य सरकार पर करीब 450 करोड़ रुपये का खर्च बढ़ जाएगा। इस तरीके से काफ़ी अच्छा फैसला लिया गया झारखंड सरकार के द्वारा कि उसके कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में जनवरी 2022 से 3% बढ़ोतरी करने को राज्य सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है।